हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1। नया नियम, सब लोग ध्यान पूर्वक देखिए और सुनिए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलेसिया उसके लिए लह लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बाइबल में देखे होंगे, जाने होंगे, पढ़े होंगे, सुने भी होंगे कि बाइबल बताती है कि प्रभु ने उससे वादा किया, पतरस से वादा किया है कि मैं तेरे द्वारा 7 कलीसियाओं का निर्माण करूंगा। और जो जिस कलीसिया में आप बैठे हो ना, ऐसी ऐसी जो कलीसियाएं हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे द्वारा 7 कलीसिया का निर्माण करूंगा। और कलीसिया का निर्माण सर्वप्रथम पतरस के हाथ से हुआ है। पतरस के द्वारा ही कलीसियाओं का निर्माण हुआ है। परमेश्वर ने पतरस के ही द्वारा ये कलीसिया उत्पन्न किया है। और ये बातें उस समय की है जब यीशु मसीह संसार से अपना शरीर लेकर स्वर्ग में चला गया था। उसके मरकर जी उठने के बाद की बातें हैं। उसके बाद पतरस से की कलीसिया का निर्माण हो चुका था। एक बार की बात है, राजा हेरोदेस जो था वह क्या था कि वह यीशु मसीह के नाम के विरोध में था। यानी जितने लोग यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार करने वाले थे, उन लोगों को वह क्या करता था, पकड़वाता था, उन्हें दंडित करता था, उन्हें भारी दंड देता था। और वह कई कई लोगों को वह क्या कर लिया, पकड़ लिया, पकड़कर कई लोगों को दंड दे दिया। इतना तक कि प्रभु का चेला एक याकूब था, जिसका नाम याकूब था, वह क्या करता है कि उसे पकड़वाता है और पकड़वा कर उसे उसे जो है कि तलवार से मरवा देता है। राजा हेरोदेस जब याकूब को देखा, प्रभु की सुसमाचार को सुनाते हुए, वह पकड़वाता है और उसे तलवार से तुरंत जो है कि उसका सर धड़ से अलग करवा देता है, मरवा देता है। ये बात जितने वहां पे यहूदी लोग थे, जब इस बात को सुने कि राजा हेरोदेस ने यीशु के चेले याकूब के सर को कटवा दिया, तो वे बड़ा खुश हो गए, क्योंकि वे भी विरोध में थे, वे भी यीशु मसीह के विरोध में थे। जब वो सुनते हैं कि नहीं, राजा हेरोदेस ने उसे मरवा दिया, तो बड़ा प्रसन्न होते, बड़ा खुश होते हैं। और खुश होकर लोग क्या करते हैं, राजा की बड़ाई करते हैं। जब राजा ऐसे काम करने के बाद देखता है लोग बड़ाई कर रहे हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं, तब वो क्या करता है, तब पतरस की तरफ नजर डालता है और पतरस को भी पकड़ने की जरूरत को वह चालू कर देता है। वह क्या करता है, अपने सिपाहियों को भेजता है, वह पतरस को भी पकड़वाता है। और धोखे में क्या करते हैं, उसके सिपाही जाते हैं, पतरस को भी पकड़ लेते हैं। जब पतरस को पकड़ लेते हैं, तो वह क्या करता है कि पतरस को बंदीगृह में बंद करवा देता है, उन्हें उसे तुरंत दंड नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस समय यहूदियों का एक पर्व था जिसे अखमीरी रोटी के नाम से जाना जाता है। वह पर्व था, इसलिए वह क्या किया कि उसे बंदीगृह में बंद करवा दिया। उसने सोचा
कि यह पर्व जब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहूदियों के बीच में इसे शामिल करूंगा और लोगों के सामने क्या करूंगा, इसके ऊपर दंड की आज्ञा दूंगा। यानी जो यहूदियों को पसंद आएगा दंड, वही दंड इसको दिलवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसा ऐसी बात हुआ, राजा सोच लेता है कि भाई ये पर्व बीत जाएगा तो इसको क्या करूंगा, लोगों के बीच में मैं खड़ा करूंगा और लोगों की मर्जी को देखूंगा कि लोगों की क्या मर्जी है। तो उससे पहले, उस पर्व से पहले उसने क्या किया, बंदीगृह में बंद करवा दिया और बंद करवाने के बाद चार चार सिपाहियों का पहरा चार ग्रुप में उसके लिए रखा। चार ग्रुप में 24 घंटा में चार ग्रुप बनाया और चार चार लोगों का ग्रुप बनाया कि चार लोग एक साथ इसकी रखवाली करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। एक तो बंदीगृह में बंद किया, उसके हाथ पांव को जंजीरों से बांधकर, और दूसरा बात कि चार लोगों को पहरे पे लगाया, और चार लोगों को पहरे पे लगाया तो वो भी 24 घंटे में समय बांट दिया चार पहरे में। हालेलुया, 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 हालेलुया। छह छह घंटे का ड्यूटी सबको लगा दिया, 6 चौका 24, यानी 6-6 घंटे का वो चार ग्रुप बना दिया और चार चार लोगों को शामिल कर दिया। कहा ये चार चार लोग इसकी ड्यूटी, इसको देखरेख में लगेंगे, ड्यूटी करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे कि भाई ये जाने न पाए, क्योंकि अखमेरी पर्व का जब समय समाप्त होगा तो मैं क्या करूंगा, इस पत्रस को लोगों के बीच में खड़ा करूंगा और लोगों से सलाह लूंगा कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। जिस दंड के लिए लोग तैयार होंगे वही दंड इसको दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बोलो, कोई मामूली दंड नहीं, उसके प्राण लेने के बारे में कि भाई इसका प्राण किस प्रकार लिया जाएगा। याकूब को तो तलवार से मैंने मरवा दिया और इसको क्या करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उधर क्या हुआ कि जो पत्रस के कलिसिया के लोग थे, वह जब जान गए कि नहीं, पत्रस को राजा हेरोदेस ने पकड़ लिया है और उसको ऐसी ऐसी जो है कि बारे में वह बातें कर रहा है, ऐसा सोच रख रहा है, ऐसा घात करने के लिए कह रहा है, जितने कलिसिया के लोग थे सब घुटने पे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। सारे कलिसिया के लोग सब कुछ छोड़कर पत्रस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। पूरी कलिसिया उसका एक मत में होकर लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और इधर राजा हेरोदेस क्या किया, राजा हेरोदेस क्या करता है, पत्रस को जिस दिन लास्ट वाला दिन था, उस पर्व का दिन था, उसके एक दिन पहले की बात है, वह क्या करता है कि जब उस पत्रस को बंदीगृह में रखता है तो किस तरह से रखता है कि दो सिपाहियों को क्या करता है कि वह दरवाजों पे ड्यूटी लगाता है और दो सिपाहियों को क्या करता है, रात में उस जेल खाने के भीतर, बंदीगृह के भीतर जहां वह पत्रस सोया हुआ था, एक तो जंजीर से बंधा हुआ था, दूसरे जहां सोया हुआ था, उनके अगल बगल दो सिपाहियों की ड्यूटी लग जाती है कि तुम इनके अगल बगल सोना। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस बंदीगृह में भी बंद था, ताला भी बंद था, द्वारपाल भी वहां पे, एक सिपाही भी द्वारपाली कर रहा था वहां पे, जो कि पहरेदारी कर रहा था, उसके बाद एक गेट था वहां पे, एक जो है कि पहरेदारी कर रहा था, लेकिन दो लोग क्या कर रहे थे, पत्रस के अगल बगल सोकर पहरेदारी कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना होगा कि भाग जाए, ये भाग न जाए। राजा ने ऐसा हुक्म दे दिया कि भाई इसके अगल बगल तुम दोनों को सोना है और इसकी रखवाली करना है और इसके हाथ पांव को बांध कर रखना है। और वे क्या कर रहे थे, सोए हुए थे, जब घोर यानी कि जब आधी रात का समय आता है, रात का समय था, दो पहरेदार उसके अगल बगल सोए हुए थे, उसकी शरीर जंजीर से जकड़ी हुई थी यानी बांधी गई थी, और द्वारपाल जो है कि क्या कर रहे थे, वहां पे पहरेदारी कर रहे थे, सब कुछ सही सही था। लेकिन होता क्या है, अचानक रात में क्या होता है,
वहां पर एक स्वर्गदूत उत्पन्न होता है, वहां पर एक स्वर्गदूत आकर खड़ा होता है, और जो ही स्वर्गदूत आकर खड़ा होता है कि वहां पर उस बंदी गृह के अंदर एक ऐसा जो है कि भयंकर रोशनी उत्पन्न होती है, ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। हालेलुया। सोने वाले सोते ही रह गए और जो जागने वाले उनको पता ही नहीं कि कहां चले गए, किस ख्यालात में हो गए। स्वर्गदूत वहां आकर जेवी खड़ा होता है कि ऐसी भयंकर रोशनी चमकती है कि वहां द्वार पे खड़े होने वाले पता नहीं किधर चले गए, और जो वहां पे सोने वाले थे वह सोए ही पड़े थे। तब तक वह जो स्वर्गदूत वहां पे गया था वह धीरे से क्या करता है, उसकी पसली पे इशारा करता है, वह तुरंत इशारा करता है, उसे जगाता है, उसके पसली पे थपथपी लगाता है और लगाकर कहता है उठ दे जल्दी जल्दी उठ जल्दी। और तुरंत क्या होता है, पतरस उठता है और जब ही उठता है तो स्वर्गदूत कहता है काम कर, जल्दी से अपन कमर उमर कस ले, जल्दी से अपना कमर कस ले, और कसने के बाद अपनी जूती को पैर में डाल ले और जल्दी जल्दी कर, देर मत कर, जल्दी से तू क्या काम कर कि उठ अपने कमर कस और जूती को पहन ले। जब वह स्वर्गदूत आता है पसली पे हाथ मारता है तो इतने में तो हुआ क्या कि जो जंजीर बंधी हुई थी वह जंजीर टूट जाती है, उसके शरीर पे जितने सिक्कड़ बांधे गए थे वो सारे सिक्कड़ टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वह आदेश देता है कि जल्दी कर, जल्दी कमर को कस और जल्दी से अपना जो है कि जूती पहन ले, और जो कपड़े हैं अपने कपड़े को अपने बदन पे डाल ले, जल्दी से कपड़ा पहन ले और मेरे पीछे हो ले, जैसे जैसे मैं चल रहा हूं तू मेरे पीछे पीछे चलना चालू कर। वह जैसे ही आगे बढ़ना चालू करता है कि जो वो दरवाजा था बंदी गृह का दरवाजा वो ऑटोमेटिक उसके लिए खुलना चालू हो गया। हालेलुया। स्वर्गदूत आगे आगे उसके पीछे पीछे, पतरस वो भी नींद में जा रहा है, आधी रात को नींद में वो उठा, आ जल्दी, जैसे उसके कान में आवाज गई कहा कि अपनी कमर कस ले, जूती पहन ले और कपड़ा पहन ले, वो झटाझट पहन रहा है सब कुछ, कह रहा है मेरे पीछे हो ले, वो पीछे भी चल दिया, आंख मिच रहा है कि कौन मुझे लेकर जा रहा है। अब वो पीछे पीछे जा रहा है, जेवी फाटक पे पहुंचता है, फाटक ऑटोमेटिक खुल रहा है, वो देख रहा है तो फटकवा खुल रहा है भाई, फिर दूसरे फाटक में गया वो अभी फाटक खुल गया, दो फाटक खुल गए, लेकिन अभी नींद में वो क्या सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं, एक बार सोच रहा है कि हम सपना देख रहे हैं कि हकीकत में ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अरे भाई हम तो जंजीर से बंधे हुए थे और दो लोग मेरे पहरेदारी में अगल बगल, और दो लोग जो है कि दरवाजे पे खड़े, दो दरवाजे के भीतर मुझे बंद किया गया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आसानी से कैसे बाहर निकल सकता हूं भाई, कोई ऐसे कैसे बाहर निकाल सकता है, हम तो जंजीर से जकड़े हुए हैं। एक बार सोच रहा है, अरे हम तो अपने होशो आवास में जा रहे हैं, दोबारा सोच रहा है हम तो सोए, ऐसा लग रहा है कि सपना देख रहे हैं। होता क्या है, जब वह जब बंदीगृह से दोनों दरवाजे पार कर देता है तो वह क्या करता है, स्वर्गदूत क्या करता है कि उस गली की तरफ जिधर है, उस रास्ते के तरफ उसे लेकर जाता है, जिस जो रास्ता जो है कि उस नगर की ओर जाती है कि जितने उसके लोग जहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, उस गली की तरफ जब वो स्वर्गदूत लेकर जाता है, जब गली में पहुंचाता है, जब जाना चालू करता है, ऑटोमेटिक स्वर्गदूत गायब हो गया। अब वो तुरंत ढूंढने लगा, भाई वो आदमी कहां गया जो मुझे लेकर जा रहा था। तब तक तुरंत अपनी आंख को मीज रहा है, अपने आप को देख रहा है, मैं ही हूं ना, सच्चों में मैं यहां पे खड़ा हूं कि सपना देख रहा हूं। वो अपने आप को देख रहा है कि भाई मैं सच में यहां इस गली में खड़ा हूं कि मैं सपना देख रहा हूं, स्वप्न में खड़ा हूं। उसे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या सच में यहां पे खड़ा हूं। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, अरे मेरे हाथ तो बंधे हुए थे, मेरी शरीर बंधी हुई थी, दो दरवाजा के भीतर मुझे बंद किया गया था, दो लोग मेरे अगल बगल सोए थे, लेकिन ये कौन आदमी मुझे जगाया, और देख रहा हूं कि मेरे जो है कि हाथ पांव खाली हो गए, और मैं मुझे आदमी कह रहा है अपना
अपना जूती पहन ले, अपना कपड़ा पहन ले, मेरे पीछे हो ले, मैं सही से जा रहा हूँ भाई। आदमी आगे आगे जा रहा है, अचानक ही आदमी गया तो गया कहाँ। तब तक उसकी नींद खुलती है और देखता है चारों तरफ, घूमता टहलता देखता, अरे मैं तो बंदीगृह से बाहर निकल गया, वो आदमी भी गायब हो गया। तब उसको विश्वास होता है कि सच में कोई परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास आया और मुझे बंदीगृह से बाहर कर दिया है। हालेलुया। उसे विश्वास हो गया इस बात का, क्योंकि उसके पहले तो उसको यह भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि याकूब की तरह यह राजा हेरोदेस मुझे भी मरवा डाले, क्योंकि इतना काफी जो है कि पहरेदारी में मुझे रखा है, तो यहां से तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि मैं बच जाऊंगा, और ऐसा ही होगा मेरे साथ। लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी कि पतरस सभी मारा जाए। परमेश्वर उस पतरस के द्वारा अपनी महिमा को अभी प्रकट करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, देखा कि राजा हेरोदेस ने एक लक्ष्य बना लिया है कि पतरस को मार डालने की, वो भी इस समाज के बीच में, चौराहे के बीच में, चौराहे पे खड़ा करके लोगों के बीच में, और वो भी लोगों की इच्छा के अनुसार दंड देना वो सोच रहा था। परमेश्वर ने देखा कि अगर मैं अपने दास को एक उसके हाथ में उसके उसके पास छोड़ देता हूं तो ये भी क्या करेगा, ऐसा कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्गदूत को रात में भेजा, कहा जा भैया उसको बाहर निकालना। वो इतने काफी पहरेदारी में था, लेकिन स्वर्गदूत गया, उसे धीरे से क्या किया, इशारा किया और उसको धीरे से बाहर निकाला, और उस गली में पहुंचाकर वह स्वर्गदूत अपना काम करके तो चला गया जो परमेश्वर से मिला हुआ था। जो परमेश्वर से आदेश मिला हुआ था वह स्वर्गदूत ने आज्ञा को पूरा किया और तुरंत क्या किया, उसको गली तक पहुंचाकर चला गया। और वह तुरंत क्या करता है, कहां जाता है, योहन्ना के माता के पास, जो जिसका नाम मरकुस रखा गया था, वह उसके घर पे जाता है, क्योंकि उसी के घर पे जितने भी इसके लोग थे, प्रभु के लोग थे, उसी के घर पे कैद होकर, अंदर होकर वह पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस वहां पे पहुंचता है उसके दरवाजे के पास, दरवाजा को खटखटाता है, जब दरवाजा को खटखटाहट की आवाज लोग सुनते, सब लोग डर गए, भाई यहां कौन आ गया, कोई ये तो नहीं बता दिया कि हम सब यहीं छुपे हैं। सब लोग डर गए और डर के मारे कोई आ नहीं रहा है दरवाजा खोलने के लिए, कोई नहीं आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वह बार बार दरवाजा पीट रहा है, तब तक उनमें से एक दासी थी जिसका नाम रूदे था। रूदे नामक दासी क्या करती है, वहां से उठती है और दरवाजे की तरफ नहीं, पहले खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की को खोलकर, धीरे से खिड़की खोलती है और खिड़की से झांक कर देखती है कि देखे दरवाजे पे कौन है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बोलो, उस समय ऐसा मकान बना हुआ था, ऐसा मकान की एक खिड़की ऐसी बनाई जाती थी कि भाई उसका जो है कि वह उसका मुंह जो है कि दरवाजे की तरफ रहा करता था, यानी एक कोने में लगाई जाती थी कि इस खिड़की से देखा जाए कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। तो वह दासी क्या करती है, खिड़की खोल कर देखती है, झांकती है, क्या देखती है, दिख कर आवाक हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट, अरे ऐसा कैसे हो गया भैया, क्या देखती है कि पतरस दरवाजे पे खड़ा है। और वह क्या करती है, खिड़की से वापस भागे दौड़े मारे खुशी में जाती है, कूदते हुए जाकर उनसे कहती है, अरे ये तो आश्चर्य की बात है, ये अनहोनी बात हो गई, अरे पतरस दरवाजे पे खड़ा है, ये तो पतरस दरवाजे पे खड़ा जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अरे जो राजा हेरोदेस के कैद में था, राजा हेरोदेस ने जिसके प्राण लेने के लिए सोच रखी थी, आज वह पतरस हमारे बीच में हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। लोग उसी दासी को ही डांट रहे हैं, अरे तू कैसा बोल रही है, तू मूर्ख है, तू पागल हो गई है क्या। लोग क्या सोच रहे थे कि लगता है कि ये दिमाग का काम खत्म हो गया, इसका दिमाग ही फेल हो गया पतरस के सोच में, ऐसा मालूम पड़ा। लोग सोच रहे थे कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि भाई हम लोग उस पतरस की चिंता में पड़े हैं, ये काफी चिंता कर लिया इसलिए इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कोई भी अगर खड़ा होगा ये जो कि इसको पतरस ही दिखाई दे रहा है, कह रहे तू पागल हो गई है। उसने कहा नहीं, वो जोर देते हुए वो तेज आवाज में करेंगे, नहीं मैंने पतरस को ही देखी, पतरस ही यहां दरवाजे पे खड़ा है।
तब तक एक उसमें से बोलता है जो वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, उसमें से दूसरा बोलता है, कहता नहीं, अरे कोई स्वर्गदूत होगा उसी का, यानी उसी के समान कोई स्वर्गदूत होगा। यानी उसके कहने का मतलब है कि वो कह रहा था कि उसकी आत्मा यहां आई होगी, क्योंकि अब तक तो हेरोदेस मार दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे लोग सोच क्या रखे थे कि जैसे प्रभु यीशु था, जब प्रभु यीशु दफना दिया गया, जब अचानक अपने चेलों के पास आता है तो लोग बाबा को गए, अरे भाई अब तो देखे कि यीशु मसीह गाड़ा गया, ये हमारे बीच में कैसे आ गया, लगता है उसकी आत्मा है। लोग डरने लगे, आत्मा आत्मा करके डरने लगे। वहां यीशु मसीह उन्हें शांति देते हुए कहा, तुम मुझसे दूर मत भागो, क्या तू गलील की बातों को भूल गया जो मैंने अपने विषय में तुमसे कहा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाएगा। तब लोगों को याद आया, हाँ भाई ये तो बात सही कह रहा है, वो कह रहा है भाई मुझे आत्मा ना समझो, मेरे अंदर हड्डी मांस दोनों है, विश्वास नहीं होता मुझे छू कर देखो, अगर फिर भी नहीं विश्वास है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने की चीज है तो मुझे दो ना, मैं खाकर दिखाऊंगा, क्योंकि आत्मा इस तरह खाकर नहीं दिखा सकती। हालेलुया, हालेलुया। तब तक क्या होता है, किसी के पास आधी मछली का टुकड़ा था, मछली का आधा टुकड़ा, भुनी हुई मछली का आधा टुकड़ा था। तब तक एक जो है कि उनके चेलों में से एक जो है कि प्रभु के पास लाता है उस भुनी मछली का आधा टुकड़ा, यीशु मसीह उसके हाथ से लेता है और उसके सामने खाकर दिखाता है, कहता है देखो मेरे हाथ, मेरे शरीर में हाड़ मांस सब कुछ है, मुझे देखो ना, मुझे छू कर तो विश्वास करो। और उस समय लोग क्या सोच रहे थे, नहीं ये आत्मा, यीशु की आत्मा आ गई, लोग डर के मारे भाग रहे थे। उसी प्रकार यहां हो गया था कि जब पतरस को स्त्री देखती है, वो दासी देखती है, लोगों को बताती है, वो लोग क्या कह रहे थे, नहीं रे उसको तो राजा हेरोदेस ने मार दिया होगा, उसकी आत्मा निकल कर यहां दरवाजा पीट रही है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा उसकी आत्मा आकर यहां दरवाजा पीट रही है, हमारे पास आना चाहती। तब तक क्या होता है, वह क्या कहती, कहती आत्मा ने मैं अपने आंख से दृष्टि किया हुआ मुझे दरवाजा फिरते हुए दिखाई दिया। लोग क्या किए कि उसकी बातों को सुनकर कहां गए, दरवाजे के पास। जब दरवाजे को खोलते हैं, जब पतरस को देखते हैं, सब अवाक हो गए, सब आश्चर्य खाने लगे। वह जब आश्चर्य खाकर लोग जोर से आवाज दिए, तब तक वह पतरस उन्हें शांति बरताया, उन्हें अंगुली से अपने होठ पे अंगुली लगाकर इशारा किया, कहा तुम शांति शांति रखो, क्योंकि शोर मत करो, चुप रहो, आवाज मत निकालो। उन्हें कहा भी भाई शोर मत करो, मेरे नाम को यहां पर जो है कि उत्पन्न मत करो कि लोग अगल बगल वाले सुने तो राजा हेरोदेस के पास सूचना दे दे। वह क्या करता है, झट से वह अभी भीतर चला जाता है और लोग फिर भीतर से दरवाजा बंद कर देते हैं। वह लोगों के पास जाता है और जितने उसके साथ घटना घटी थी वह सारी घटना को बताता है। कहता है मैं घोर नींद में सोया हुआ था, अगल बगल मेरे सिपाही थे, मैं मेरे शरीर जो है कि जंजीर से जकड़ी हुई थी और जो है कि दो दरवाजे के भीतर मैं था और दरवाजों पे जो है कि दो लोग थे, पहरेदारी कर रहे थे। तब तक मैं क्या देखा, अचानक कि मेरे पास एक ऐसा मनुष्य आया, जो जब आया तो एक भयंकर प्रकाश वहां पर उत्पन्न हुआ और आकर मुझे जगाया और कहा कि एक काम कर, झट से उठ, अपना कमर कस ले, जूती पहन ले, कपड़ा पहन ले, मेरे पीछे हो ले। मैं इधर उधर नहीं देखी, अपने अगल बगल वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया, न उस दरवाजे की तरफ ध्यान दिया, मैं उसके बातों को सुना, नींद में ही आंख मिचते हुए वो सब कुछ पाना और उसके पीछे पीछे हो लिया। मैं तो सोचा कि मैं सपना देख रहा हूं, मैं तो सोचा कि स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन जब उसके पीछे पीछे बाहर निकला, जब मैं इस गली में आया, इस नगर की तरफ जो रास्ता आया हुआ है उस रास्ते पे जब आया तो अचानक वह आदमी गायब हो गया। तब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि अरे अभी तो मेरे साथ आदमी था, अभी गायब हो गया। तब तक मैं अपने आप को देखा, जगह को देखा, अरे मैं तो यहां कैसे आ गया, मैं तो जानता था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न में मैं यहां आया हूँ, लेकिन ये तो मैं हकीकत में आया हूँ। और वो आदमी कहां गया जो मुझे लेकर आया, वो जब गायब हो गया तब मैं मुझे ये मालूम हुआ कि सच में प्रभु ने मुझे बचाने के लिए अपना दूत भेजा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
स्थिति अपन अपनी गाय बता रही कि अचानक ही 15 दिनों से काफी बुखार था। अपन बता रही कि मैंने दवा लिया, दवा से कोई रिलीफ नहीं मिला। अपन बता रही है कि जब अपन संगाई दे रहे थे उसी समय प्रभु का आशीर्वाद हुआ, जो 15 दिनों से बुखार था पूरी तरह से चला गया। अपन पहली बात ही चंगी है, इसे अपने तेज तरीके से करने की बात है। अपन के नाम में चंदा। अपन अपनी गाय बता रही कि अचानक ही कल से कान में दर्द हो रहा था और सुनाई नहीं दे रहा था। अपन बता रही कि जब अपन संगाई दे रहे थे उसी समय प्रभु का आशीर्वाद हुआ, जो कल से सुनाई नहीं दे रहा था और कान में दर्द हो रहा था वो पूरी तरह से चला गया। अपन पहली बात ही चंगी है, इसलिए अपने तेज तरीके से करने की बात है। इस भाई को पैसा घना दबा नहीं किया। किस कान से? ये कान से। अब सुनाई दे रहा है? सब कुछ सुनाई दे रहा है। इस कान को बंद कर, इस कान को बंद कर, इस वाले कान, इसमें उंगली से बंद कर, उधर मुंह कर, बोले उधर मुंह कर, जो मैं बोलूंगा वही काना। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये बात बता रहे कि बचपना से इस कान के अंदर बाहरेपन की शिकायत थी। और क्या था? कान में दर्द भी, कान में दर्द भी था और बाहरेपन की शिकायत थी। लेकिन ये बात बता रहे कि आज प्रभु ने इनके ऊपर अपनी महिमा प्रकट की और इनके कानों की जो तकलीफें थे वह बिल्कुल चली गई। बचपन से जो बाहरेपन की शिकायत थी प्रभु ने चंगा कर दिया। ये बात बिल्कुल चंगी हो गई। इसलिए जोरदार ताली बजाओ।